वेलकम टू एग्जाम आई क्यू एडुकेशन। इस वीडियो में देखते हैं स्पेशली झारखंड करंट अफेयर नवंबर महीने से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं सारे नवंबर महीने के करंट अफेयर झारखंड से स्पेशली संबंधित करंट अफेयर को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड करंट अफेयर नवंबर मंथ के। तो इससे भी पहले भी सभी महीने के अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर महीने का ऑलरेडी इस चैनल पर करंट अफेयर झारखंड के स्पेशली अपलोड कर चुका है। आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड करंट अफेयर नवंबर महीने के लिए। तो पहला सवाल आता है टाटा कैंसर अस्पताल कहाँ खुला है, टाटा कैंसर अस्पताल का शिलान्यास कहाँ हुआ है, रांची में। तो इसके बारे में देखते हैं रांची में टाटा कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई किसने रखा है, रतन टाटा और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। तो टाटा कैंसर अस्पताल रांची में बनेगी, इसकी आधारशिला रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन और रघुवर दास ने रखी है। इसमें बड़ी बात एक है कि टाटा अस्पताल में जितने भी 50% बेड जो है झारखंड वासियों के लिए आरक्षित रहेगा। तो टाटा कैंसर अस्पताल रांची में बनेगा जिसका उद्घाटन रतन टाटा और रघुवर दास ने किया है, आधारशिला रखी है और इसमें 50% बेड झारखंड वासियों के लिए आरक्षित रहेगा। तो अगला टॉपिक सवाल ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट 29 से 30 नवंबर को रांची में आयोजित किया गया। रांची के कहाँ, होटवार में खेलगांव परिसर में आयोजित किया गया। ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड एंड फूड समिट का उद्घाटन 29 से 30 नवंबर को रांची में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया, उसका उद्घाटन किया भारत के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और रघुवर दास ने। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का उद्घाटन राधा मोहन सिंह ने रांची में किया था। इसमें फोकस कंट्री क्या है, फोकस कंट्री मोरक्को को चुना गया है और इसमें पार्टनर कंट्री कितने हैं, पार्टनर कंट्री टोटल 6 कंट्री है। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का उद्घाटन रांची के होटवार स्थित खेलगांव परिसर में किया, इसके उद्घाटन राधा मोहन सिंह ने और रघुवर दास ने किया। इसमें फोकस कंट्री के रूप में मोरक्को को चुना गया है और पार्टनर कंट्री की संख्या 6 थी। तो अगला सवाल देखते हैं 34वें राष्ट्र नेशनल एथलेटिक्स में झारखंड के आसाल किरण बारला जो को अंडर 14 में बेस्ट बालिका खिलाड़ी का खिताब मिला है। 34वें नेशनल एथलेटिक्स में झारखंड के आशा किरण बारला जो गुमला जिले की रहने वाली है उसको अंडर 14 वर्ग में बेस्ट बालिका खिलाड़ी का खिताब मिला है। तो एक 600 मीटर की आशा किरण बारला जिसको अंडर 14 में बेस्ट बालिका खिलाड़ी खिताब मिला, वो आशा किरण बारला जो है 600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित है। अगला सवाल झारखंड के किसानों को 28 लाख स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो झारखंड के सरकार ने घोषणा की है कि झारखंड के 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो स्मार्टफोन देगा तो इसका कुछ योजना शुरू किया था, इस योजना का नाम दिया गया है ई नाम। इसका शुरुआत जनवरी 2019 में हुई और इसका लक्ष्य क्या रखा है, 2020 तक झारखंड के 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन की सुविधा देना। तो इसका नाम झारखंड में जो 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन दिया जाएगा इसका इस योजना का नाम रखा गया है ई नाम और इसका शुरुआत जनवरी 2019 में हुई है और लक्ष्य कब तक देने का रखा गया है, 2020 तक लक्ष्य पूरा होगा। अगला सवाल दुमका को भागलपुर और कोलकाता से जोड़ने वाली कवि गुरु पली एक्सप्रेस बनी है। दुमका को भागलपुर और कोलकाता से कौन एक्सप्रेस जोड़ेगी, दुमका को भागलपुर और कोलकाता से कवि गुरु नामक एक्सप्रेस जोड़ेगी जो पहली ट्रेन है जो दुमका को भागलपुर और कोलकाता से जोड़ेगी। तो इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल था। अगला सवाल बंसीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में घोषित हुआ। झारखंड के सरकार ने बंसीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। तो बंसीधर मंदिर कहाँ है, बंसीधर मंदिर है गुमला जिले में स्थित है। तो अब बंसीधर महोत्सव झारखंड का राजकीय महोत्सव घोषित होगा। तो इस महोत्सव को बनाने में जितने भी खर्च होंगे, मनाने में कलाकार आएंगे उसका
सारा खर्चा झारखंड सरकार उठाएगी। अगला सवाल है, मेगा फूड पार्क कहाँ बन रहा है झारखंड में? मेगा फूड पार्क झारखंड में गेतल सुद रांची में बनेगा, और गेतल सुद रांची में शहद और तो ये मेगा फूड पार्क में बढ़ावा किसको दिया जाएगा? शहद और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ को जो होगा, शहद और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ झारखंड क्षेत्र में मेगा फूड पार्क के तहत जितने भी उत्पादन होगा वो पतंजलि ग्रुप खरीदेंगे। तो हाल ही में झारखंड सरकार और पतंजलि हाल ही फिलहाल में बाबा रामदेव झारखंड आए थे, तो इस बीच मेगा फूड पार्क गेतल सुद में बनाने की घोषणा हुई है, और जितना भी शहद और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ होगा, जैविक खाना, वो पतंजलि खरीदेगी। अगला सवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 झारखंड के किस लेखक को मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 झारखंड के श्याम बेसरा को मिला है। श्याम बेसरा जो है वो संथाली के लेखक हैं, उसको 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसने एक उपन्यास लिखा था, कौन उपन्यास था? माड़ोम। माड़ोम जो है संथाली भाषा में एक उपन्यास लिखा। माड़ोम का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? मचान होगा। तो इस सवाल से है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 झारखंड के किस लेखक को मिला है? श्याम बेसरा को, किस नोवेल के लिए? माड़ो नोवेल के लिए जो संथाली भाषा में है, इसका हिंदी नाम मचान है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है, लेकिन 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। तो दो भाषा कौन सा है? एक राजस्थानी है और एक इंग्लिश। इंग्लिश का 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है, तो एक राजस्थानी एक इंग्लिश का को भी दिया जाता है। तो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ग में झारखंड से एक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता श्याम बेसरा को चुना गया है, इसकी नोवेल माड़ों के लिए जो संथाली भाषा में रचित है। श्याम बेसरा ने कुछ और किताब लिखे हैं, तो देखते हैं कौन सा है। दुलाड़ खातिर एक बुक है, दुलाड़ खातिर, और दूसरा बुक है दामिन रेयाक जुड़ासी कहानी को। जो दामिन रेयाक जुड़ासी कहानी को है जो सिद्धू कान्हू के जीवन पे बेस्ड है। तो किताब देख लेना है इसका। कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस चैंपियनशिप एक प्रतियोगिता आयोजित हुई जे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में जे एस सी ए स्टेडियम रांची में 30 नवंबर को। इसमें विजेता संयुक्त रूप से धोनी और सुमित कुमार जोड़ी को विजेता घोषित किया गया। दोनों ने खिताब जीत लिया, टेनिस चैंपियनशिप था, टेनिस का खेल था, जिसमें धोनी और सुमित कुमार बजाज को विजेता खिताब जीत लिया। कंट्री क्रिकेट क्लब चैंपियनशिप का खिताब धोनी और सुमित कुमार बजाज ने जीता है। इसमें सवाल ये आ सकता है, धोनी ने किसके साथ मिलकर हाल में ही कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस चैंपियनशिप जीता है? तो धोनी ने सुमित कुमार बजाज के साथ मिलकर कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस चैंपियनशिप जीता है। ऑप्शन में और कुछ दे सकता है, जैसे कि अगला सवाल बन सकता है इसे, कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने दिया है? तो धोनी देगा ऑप्शन, और प्लस और किसी किसी का देगा, तो हाँ देखेंगे टेनिस भी देखिएगा और क्रिकेट भी, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस चैंपियनशिप धोनी और सुमित कुमार बजाज ने मिलकर जीत लिया है। अगला सवाल है, 15 नवंबर को कोडरमा जिले को 100% विद्युतीकृत जिला घोषित कर दिया गया है। तो इससे पहले झारखंड का प्रथम विद्युतीकृत जिला कौन है 100% के लक्ष्य को जो पूरा कर लिया है विद्युतीकृत में? तो रामगढ़ पहला है, और दूसरा कौन है? बोकारो दूसरा जिला है जिसमें 100% विद्युतीकृत हो गया है, रामगढ़ पहला। तो ये थे नवंबर महीने से झारखंड से संबंधित बनने वाले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल। तो झारखंड के अधि जो झारखंड के एग्जाम में आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर और पिछले महीने के भी अपलोड हो चुका है, तो अगर नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रिपरेशन।